जय श्री राम। प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, मानसिक जाप करने से अनंत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आज हम यही जानेंगे कि मानसिक जाप करने से हमें क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, क्या हमें लाभ होता है। देखो, मानसिक जाप का मतलब होता है मन के द्वारा जाप करना भगवान के किसी भी नाम का, यानी मन से भगवान को याद करना। जब हम मानसिक जप करते हैं तो हमारा कनेक्शन भगवान से हो जाता है। अगर हम पूर्णतः मन को शांत करके जप करते हैं तो निश्चित ही उस समय हमारा कनेक्शन प्रभु से हो जाता है। लेकिन जब पूर्ण रूप से मन हमारा प्रभु से जुड़ा हुआ हो तो उस समय मन में अन्य कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एक उस परम का ध्यान होना चाहिए। जिस भी भगवान को आप मानते हो उसी का ही होना चाहिए। तो प्रेमी भक्तों, ये इतना आसान नहीं है, आप ये बहुत ज़्यादा अभ्यास के बाद कर पाएंगे। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मानसिक जप भी हर कोई नहीं कर पाता। अगर आप कर नहीं पाते तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप वाणी के द्वारा करें, फिर आप उपांशु यानी जीभ से, थोड़ी थोड़ी जीभ उसमें उठती है और थोड़े थोड़े होठ भी हिलते हैं, लेकिन आवाज़ बाहर सुनाई नहीं देती। जब आपका वो जप पक जाएगा यानी आपके अंदर लय हो जाएगा तो अपने आप ही वो छूट जाता, आपको पता चल जाएगा। फिर आप जब मानसिक करने लगोगे तो मानसिक जप में मन की एकाग्रता की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले आप वो दो जप कर लोगे तो एकाग्रता मन में थोड़ी थोड़ी आने लगती है और फिर आप मानसिक जप कर पाते हो। जब आप मानसिक जप शुरू करोगे, ये ही सबसे बड़ा इसका एक तो यही लाभ है कि अति शीघ्र आपका मन जो है ना एकाग्र होने लगता है। आपका मन जो इधर उधर भागता है वो भागना बंद हो जाएगा और भगवान में जब ये लगने लग जाएगा तो आपको अद्भुत शक्तियाँ मिलने लगती हैं। आपको शांति महसूस होने लगेगी, आपका गुस्सा उठना बंद हो जाएगा, आपको सब अच्छे लगने लगेंगे, सबसे प्यार करने लगते हो आप। और जब आप उस परम से जुड़ने लगते हो तो जब आप मानसिक जप का अभ्यास निरंतर करते हो तो आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि मैं बार 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 भगवान का ध्यान करता ही रहूं। तो प्यारे भक्तों, इससे बड़ा क्या लाभ होगा कि आपका मन बार बार उससे जुड़ने को करे। अगर आपका मन अभ्यास करते करते मानसिक जप का इस स्थिति में आ गया है तो धन्य हैं आप, धन्य हैं आप। और अति शीघ्र फिर आपका ये मानसिक जप लय हो जाएगा आपके अंदर, फिर आप श्वासों के जप पे अपने आप आ जाओगे। तो ये मानसिक जप करना पहले बहुत ही ज़रूरी है और उसके बाद आप श्वासों के जप पे आएंगे। डायरेक्ट अगर कोई श्वासों का जप करेगा तो वो कर नहीं पाता है। जब मानसिक जप से आपको शक्तियाँ मिल जाएंगी, आपका मन पूर्णतः एकाग्र हो जाएगा, भगवान से जुड़ जाएगा, तो फिर श्वासों का जप बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। और मानसिक जप के करने से आपको हर पल ऐसा अनुभव होने लगता है कि हमारे अंदर एक दिव्य शक्ति दौड़ रही है, हमारे अंदर अथाह ऊर्जा दौड़ रही है और सकारात्मकता बढ़ जाती है और सारे कार्य सिद्ध होने लग जाते हैं। अगर आपने एक महीना भी मानसिक जाप कर लिया प्रेमी भक्तों, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि भगवान को मन चाहिए, उसे तन नहीं चाहिए। और जब आप भगवान को मन दे दोगे, आप एक महीना मानसिक जप कर लोगे तो एक महीने में ही आपको अद्भुत शक्तियाँ मिल जाएंगी। आपको हर पल ये महसूस होगा कि परम मेरे साथ है। और उसके बाद अगर आप छोड़ना भी चाहोगे ना नाम को, तो छूट नहीं सकता, क्योंकि इतना मानसिक जाप आप कर चुके हो कि वो आपके अंदर लय हो जाएगा नाम। और जब लय हो जाएगा तो फिर छुटाने से नहीं छूट सकता, इससे बड़ी क्या शक्ति मिलेगी आपको। तो ये सबसे बड़ी शक्ति है कि वो नाम अब आप हर दम आपके साथ रहेगा, बशर्ते
कि आप एक महीना लगातार मानसिक जप करके देखें और अपनी ज़िंदगी को बदलें और अनंत और अद्भुत शक्तियां प्राप्त करें। प्रेमी भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।